जब भी आप आओगे थाईलैंड में तो खोया है नेशनल पार्क को जरूर विजिट करना। थाईलैंड का पहला नेशनल पार्क है और तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है थाईलैंड का। पर नाइट ओके सो वी टेक दिस वन चीप वन फॉर टू पीपल दिस फॉर 3 to 4 टू स्मॉल ओके बिग ओके हाँ ओ यू से विल टेक दिस ओके। तो गाइस अभी हम लोग टेंट ले रहे हैं यहाँ पर, तो टेंट का प्राइस देखो क्या है। टेंट का प्राइस है 150 baht दो लोगों के लिए, 3 से 4 लोगों के लिए 225 है। और ये सब मतलब प्राइस दिया है कि स्लीपिंग पैड मैट और ये भी मैट ही है और ये भी वही है शायद से। हाँ यहाँ पर भी कुछ है, ये सारे टेंट के एक्सेसरीज है। तो बस अभी आज यहाँ पर रहना है, अभी रिटर्न कितने बजे करना है ये टेंट मुझे पता नहीं, और यहाँ पर लिखा हुआ रात को 12 बजे रिटर्न करना है। तो हम लोग तो कर निकलेंगे अगर आज रह रहे तो, रात को रह सकते कि नहीं मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। बाय द वे टेंट और उसके एक्सेसरीज को रेंट पर लेने के लिए हमें अपना पासपोर्ट भी डिपॉजिट करना पड़ता है, इसीलिए पासपोर्ट डिपॉजिट करते वक्त हमने कुछ तस्वीरें भी खींच ली थी, क्योंकि इनकेस अगर ये हमारा पासपोर्ट घुमा देते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास एक प्रूफ होगा कि हमारा पासपोर्ट इन्हीं के पास ही था। इसलिए एक बात तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपना पासपोर्ट कहीं पर भी डिपॉजिट करते हो तो एक तस्वीर तो ज़रूर खींच लेना। बाय द वे अगर आप अपने मोटर होम जैसे कि आरवी और कैरावन में यहाँ पर रहने वाले हो तो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो चलो आज टेंट में रहने वाले हैं, टेंट का पूरा जो खर्चा आया है बेड वेड के साथ वो 400 baht, तो 400 baht में टेंट भी मिल जाता है आपको प्लस बेड भी मिल जाता है आपको और टॉयलेट वॉयलेट सब है यहाँ पर। तो पहले तो टेंट लगाता हूँ फिर आपसे बातें करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जगह देख रहा हूँ मैं, कौन सी जगह सही रहेगी देख रहा हूँ मैं, रिवर के पास में ही देख रहा हूँ, क्योंकि नूम और उसकी फैमिली को वापस घर भी जाना था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि फिलहाल के लिए हम शेल्टर के पास ही टेंट लगा देंगे। तो गाइस देखो कितना बढ़िया परिवार है, हम लोग को यहाँ पर मतलब ड्रॉप किया उन्होंने और हमारे लिए सब कुछ किया उन्होंने, मतलब खाना दिया और हमको यहाँ पर ड्रॉप किया, हमारे लिए टेंट का बंदोबस्त किया, इतना वो हमारे लिए कर रहे थे ना। वो टेंट का पैसा भी वही देने वाले थे लेकिन मैंने उनको रोक दिया और खाने में भी मैंने उनको रोक दिया था। तो यार बहुत बढ़िया फैमिली, मतलब इतना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, मतलब यार नाकोन रथ सीमा में अगर हम लोग जाते तो एक होटल में ही रहते जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो एडवेंचर है ना ये मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम बोलते ना, इसी जगह पे आया हूँ मैं। रात को मतलब शूटिंग स्टार जो मैंने देखा था ना पिछली बार, वो अगर देखने मिले तो मज़ा आ जाएगा। उसका वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं रात में कैंपिंग किया था, तो अभी यहाँ पर अभी सीधा मतलब एक फॉरेन कंट्री में कैंपिंग करा तो एक अलग ही मज़ा आने वाला है यार। मतलब थैंक्स टू नूम जिनके वजह से हम यहाँ पर आ पाए और जिनके वजह से हम इस टेंट में हम रहने वाले, इसको मतलब इस टेंट में रहने वाले। और जंगली जानवर भी है यहाँ पर, मतलब रेनडियर टाइप जानवर है, मतलब इतना कुछ हम नहीं करते हो, बंदर भी है, तो देखेंगे अभी मज़ा आएगा। रात में इधर ही रहना, 8 degree होगा रात में, गिरेगा पारा 8 degree तक, तो बहुत ठंड होगी जाहिर सी बात है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो ठंड तो होनी ही है। खाना पीना वहीं पर मिलता है पीछे यहाँ पर इस साइड में, तो खाना वाना सब ले लेता हूँ मैं और फिर देखते हैं आसपास में घूमूंगा मैं। तो गाइस शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये है हमारा टेंट और बस सनसेट होने ही वाला है, तो सोचा कि थोड़ा यहाँ का आसपास का एरिया थोड़ा कवर कर लूँ, देख लूँ कि आसपास क्या है। आपको मैं दिखा दूँ कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, सब ने टेंट लेके आए, हम तो मतलब टूरिस्ट इसलिए नहीं लेके आ पाए, लेकिन जो नए लेके आए उन्होंने इस तरह का ऐसा टेंट खरीदा है, तो मतलब डिज़ाइन देख के समझ में आ जाता है कि टेंट खरीदा हुआ है, क्योंकि सबका जो खरीदा हुआ टेंट है वो थोड़ा कैमोफ्लेज टाइप का है। तो खैर
अभी जाते हैं और देखते कि खाने के लिए कुछ है क्या, मतलब यहाँ पे चीज़ें तो है खाने की लेकिन महंगी होगी इतना मुझे पता है, तो जाके देख लेते क्या क्या चीज़ें खाने जैसी। हालांकि अब वो दिख रहा है आपको मेरे पीछे ब्रिज दिख रहा है, बेसिकली एक रिवर के ऊपर से आप क्रॉस कर सकते हो, तो देखते वहाँ पर भी जाऊँगा मैं, थोड़ा फ़ोटोज़ वोटोज़ निकालूँगा मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब लोग ने टेंट वेंट लगाया, केचुआ का टेंट लेके आया है लोग, तो सही है यार। अगर मुझे पता होता कि ऐसी भी कोई जगह है थाईलैंड में जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो तो मैं घर से ही टेंट लेके आ गया होता, जिनके लगेज में डाल दिया होता मैं, लेकिन खैर ठीक है मज़ा आ रहा है। फिर भी 500 बात दिया है मैंने, यानी तकरीबन 1100-1200 के आसपास, 500 बात नहीं दिया, 400 बात दिया, 1000 रुपये के आसपास का खर्चा पड़ा है, तो ठीक है यार ऐसा लोकेशन मिला है। और अगर मेरा और जिनका अगर मैं डिवाइड करूँ तो 500-500 रुपये पर पर्सन पड़ा है, तो ठीक है ऐसा रहने मिल रहा है। मतलब होटल से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ऐसा ही रहना पसंद आता है, पूरा नेचर से सराउंडेड है सब कुछ, आप देख सकते हो पूरा नेचर से सराउंडेड है। तो हमने तो अपना टेंट वहाँ पर लॉक किया है, उम्मीद करता हूँ कुछ चोरी वोरी नहीं होगी यहाँ पर। तो खैर सबसे पहले हम जाते हैं वहाँ पर, खाना वाना देख लेते हैं। देखो दूर दूर तक आपको टेंट ही दिखाई देंगे, दूर दूर तक टेंट ही दिखाई देंगे, और मेरे पीछे तो देख रहे हो आप घर जैसा, वो बेसिकली ऑफिस है, वहीं से आपको टेंट मिल जाता है। तो बस आपको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ता है, तो मैंने तो मेरा नहीं किया, एक ही पासपोर्ट चाहिए था उनको, तो जीन ने अपना पासपोर्ट दे दिया। तो चलो अब जाता हूँ आगे, देखता हूँ खाने के लिए किधर से क्या है, फिर आपको बताता हूँ। महंगा रहने ही वाला इतना मुझे पता है, फिर भी देखते हैं कितने में पड़ता है। तो देखिए गाइस ये है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ ब्रिंग योर लिटर होम, कीप नॉइस पे मिनिमम, डू नॉट राइड ऑन एनी सरफेस, डू नॉट कलेक्ट वुड और ट्विग, ट्विग्स नॉट बॉनफायर इन द एरिया, डू नॉट फीड और टच वाइल्ड एनिमल, नो पेट्स अलाउड, दे दिस द वाइल्ड लाइफ, डू नॉट यूज ड्रोन्स विदाउट परमिशन। तो ड्रोन उड़ाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, अगर परमिशन दे दी जाती है तो अच्छा है, मुझे लगता है फॉरेनर्स को परमिशन मिल ही जाएगी। ड्रोन होता तो मैं भी परमिशन ले लेता और उड़ाना शुरू करता, ऐसा मतलब लोकेशन है, बढ़िया लोकेशन है ड्रोन उड़ाने के लिए। और बाय द वे आप अपने मोबाइल से स्मार्ट कावाई वाईफाई को कनेक्ट करके इस जगह की और भी कई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। भाई साहब मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर आए हैं, मतलब फोटोग्राफी कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की फ़ोटो निकाल रहे हैं, अभी उनको ही पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। खैर मैं आया हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या क्या है खाने में, सस्ते में है या महंगा ही रहेगा इतना मुझे पता है, फिर भी देख लेते हैं कितना महंगा है, बताता हूँ मैं आपको अब इंक्वायरी करके क्या क्या है। सब मतलब नज़र गड़ाए हुए फोटोग्राफी करने के लिए, अगर मेरे डैड भी आज होते हैं ना तो वो भी वहीं पर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं वहाँ पर फ़ोटो के निकालने के लिए, क्योंकि उनको भी ऐसी फ़ोटोग्राफी करना पसंद है। तो गाइस खाना ले लिया हम लोगों ने, तो इतना महंगा नहीं है जितना मुझे लगा था, मुझे लगा था डबल प्राइस रहेगा, लेकिन इतना महंगा नहीं है, सिर्फ 20 बात ज़्यादा है, यानी 10 बात जो है 25-30 रुपया होता है, 30 रुपया तो 60 रुपया ज़्यादा है बस, तो इतना महंगा नहीं है, मतलब 20 बात ज़्यादा लिया तो मुझे लगा ज़्यादा रहेगा, 40 का शायद 80 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो चलो अच्छा है, एक अच्छी बात है। 30 विथ मेरे 50 तो ये महंगा है भाई, चाय बहुत महंगा है, 25 बात में मैं लेता हूँ, यहाँ पर 50 बात का। हालांकि यहाँ पर देखो चार्जिंग पॉइंट भी है, तो आप अपने गैजेट को यहाँ पर चार्ज कर सकते हो बैठ कर, अगर आपका गैजेट मतलब क्या कहते हैं चार्ज करना है तो आपको। और मेरे पीछे ये टॉयलेट इस साइड, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉयलेट है ये, और ये है असेंबली पॉइंट यानी चार्जिंग करने के लिए, आप जितने भी गैजेट से आप चार्ज कर सकते हो तो अच्छे है। और पीछे देखो क्या बढ़िया माहौल है यार, एकदम मज़ा आ गया, एकदम मतलब खूबसूरत है, एकदम देख के लगेगा कि यार क्या बढ़िया जगह पर आया हूँ मैं। तो चलिए अब मैं आपको मेरा मन है इसके अंदर जाने का, तो चलो जाके देखते हैं अंदर है कैसा, पूरा तो नहीं जाऊँगा, थोड़ा जाऊँगा फिर बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर टेंट के अंदर सामान रखा हुआ है, अभी यहाँ पर चोरी होती कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए एक तो विदेशी धरती पर हूँ मैं और ऊपर से अगर ऐसा रिस्क लूँगा तो भारी पड़ जाएगा मुझे, तो इसलिए बस मैं यहाँ पर देखता हूँ कैसा क्या है और फिर वहाँ पर चले जाता हूँ, इसके अंदर चले जाऊँगा और फिर मैं सीधा अपने टेंट की तरफ रुक करूँगा।
गाइस ये हैंगिंग ब्रिज तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस यहाँ तक ही है। और क्योंकि हम लोग हमारा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ से वहाँ पर चले जाएंगे। बस आपको दिखाने का था कि ये है कैसा ब्रिज। तो गाइस ये है हैंगिंग ब्रिज और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने मिलता है हमें। Lam Takung Campground. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर काफी लोगों का टेंट लगा हुआ है और कुछ लोगों ने तो एकदम अच्छा लाइटिंग किया, एकदम मस्त डेकोरेशन के साथ किया। आप देख सकते हो कितना क्यूट दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है। तो अच्छा हमारा टेंट वहीं पर कहीं पर है कोने में। यहाँ पर भी कुछ छोटी फैमिली आई है और उस साइड देखो कितनी बड़ी फैमिली है, वहाँ पर एकदम बड़ी फैमिली आई है उस तरफ। और ये रहा हमारा टेंट जो शायद आपको दिख रहा भी कहीं पता नहीं, नहीं दिख रहा होगा, टॉर्च मारता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारा टेंट। तो और ये है जीन जो जा रही है अंदर। तो लेट्स गो, नो नीड टू ब्रश टीथ टुडे। दांत घसना चाहती है, टेंट कैंपिंग कर रही है और दांत घसने के लिए आई है तेरे गदी चप पैदल उधर पातल। तो अंदर कुछ ऐसा है, ये हमारा सामान सब पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त या क्षतिग्रस्त कह सकते हैं। ब्लैंकेट भी मिला है तो 10-10 बात के यानी 25 रुपए का एक ब्लैंकेट, तो कमाई है इसमें भी। लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा ब्लैंकेट है, मैट भी दिया है। तो गई अभी शाम के 6:51 यानी 7:15, तो 10 मिनट मतलब 9 मिनट है 7 बजने के लिए। तो खैर ठीक है, अभी सो तो नहीं सकते लेकिन बातचीत अभी होगी मेरी और जिनकी टाइम पास, क्योंकि कोई सोएगा तो नहीं इतना जल्दी, लेकिन बातचीत अभी करेंगे। देखें खाना पीना तो अभी खा नहीं सकते, अच्छा पहले ही खाना ले लिया। एक बात याद रखना कि खाना जल्दी आप ख़रीद लेना क्योंकि सब दुकानें बंद हो जाती है। कॉफ़ी की भी दुकान थी वो भी बंद हो गई, होती तो चारों तो भी नहीं लेता, थाइटी थोड़ी महंगी थी, डबल प्राइस चार्ज कर रहे थे। जितना भी आप खाना वाना की चीज़ें जल्दी लेना, जिनको मैं बोल रहा था कि बाद में लेंगे 9 बजे 8 बजे लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे कि दुकानें जल्दी बंद होती है। यू आर टोल्ड मी राइट दैट शॉप्स विल क्लोज इमीडिएटली। आज भीड़ इसलिए क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर है, तो 21, 22 और 23 normal here in Thailand they close very early. Yeah, but today it's rush because of the Chinese New Year. Yeah. आज इसलिए भीड़ है क्योंकि Chinese New Year है, तो 21, 22 and 23 right? Yeah. ये 3 दिन ज़्यादा लोग यहाँ पर आएगा क्योंकि हॉलीडे थे उनके लिए। नूम ने भी मुझे यही कहा था जिन्होंने हमें लीव दी कि भीड़ है इसलिए क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर है, नहीं तो इतना भीड़ नहीं रहता, थोड़ा कम लोग रहते हैं, कम रहते तो थोड़ा मज़ा भी आता, मतलब शांत रहती तो मज़ा आता है, अलग ही वातावरण रहता है। लेकिन ज़्यादा भीड़ रहते तो वो अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे अलग अलग लोगों से मिलना हो जाता है। अभी तक हम लोग किसी से मिले नहीं, फिर भी कल देखूंगा, थोड़ा बहुत दोस्ती करूँगा, फैमिली से भी बात करेंगे और डी से वी विल मीट सम अदर पीपल, मे बी वी कैन मेक सम न्यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब कल बात करेंगे, अभी तो कुछ बात करने जैसा है नहीं। तो तब तक के लिए बाय फ्रॉम लामता कैंप ग्राउंड बाय। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और अभी हम लोग ये कैंप ग्राउंड में अभी भी है। और आप देख सकते हो इस तरफ पूरा पानी गिर रहा है और एकदम धुआं मतलब फॉग निकल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। और एक टेंट में भी फॉग गिर रहा है मतलब निकल रहा है, सिगरेट पी रहे अंदर बैठ के। तो thank you.
आज यहाँ पर जाएंगे हम लोग, चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा महंगा है लेकिन पीना पड़ेगा क्योंकि हाथ बहुत ठंडा हो गया यार। रात में वो कहा था they had informed us that it is going to be 8 degree in the night. Yeah, 8 degrees. Yeah, and you felt like it. Yeah. Or for the first time, you don't feel cold when in the night time. Yeah. Very, very cold. Even you have a blanket, still very cold. And also, the bag is wet. Yeah, bag भी गीला हो गया क्योंकि fog रहता है ना, तो fog नीचे जमा हो जाता है, फिर वो गीला कर डालता है पूरा. बैग भी गिल्ला हो गया था, मेरे पैंट भी थोड़ी गिल्ली है, फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा पैंट मेरा गिल्ला है, लेकिन ठीक है. अभी तक दुकान खुली नहीं यहाँ पर, पता नहीं शायद लेट खुलेगा, 10 बजे के आसपास खुलेगा. द शॉप इज़ नॉट येट ओपन. हाँ, दुकान खुल चुकी है, मुझे लगा नहीं खुली है, लेकिन है अभी, मतलब खोल रहे हो और फिर भी कॉफ़ी वॉफ़ी बना के दे रहे हो. मुझे लगा था कि सुबह मतलब सुबह दोनों को टॉयलेट लग गई थी, प्रेशर बहुत बढ़ गया था और जिनको भी सुसु आई थी, तो चलो जाते हैं. तो सुबह 4:15 के बीच में हम लोग बाहर निकले और कोई भी बाहर आया नहीं था. एक ही लड़की बाहर थी, वो भी शायद सुसु करने निकली थी, तो मैं और जीन बाहर आए थे हम लोग. तो बहुत ठंड थी यार, मतलब चलने की हालत नहीं हो रही थी, मतलब इसलिए जीन को मैंने कहा कि दौड़ो, जॉगिंग करो, क्योंकि ठंड में जितना आप जॉगिंग करोगे तो अंदर से शरीर जो है आपका गर्म रहेगा. तो बस जॉगिंग करने लगे हम लोग और थोड़ा गर्मी निकालने लगे बाहर, तो वही बेस्ट ऑप्शन था. और फिर कैसे करके टॉयलेट पहुँचे, फिर जीन को मैंने यही कहा कि आपका तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको तो सिर्फ सुसु आई है, तो सीधा जाके ट्रेंड में घुस जाना, क्योंकि आपको क्या क्या पता नहीं ना यार, कुछ चोरी वोरी हो गया तो फिर वो लफड़ा हो जाएगा फिर मतलब बेकार में. इसलिए फिर वो तो चली गई, मैं तो अंदर ही बैठा हुआ है अकेला था, लेकिन ठंड में मतलब ठंड में ऐसा हो जाता ना कि आपका मतलब प्रेशर भी करो तो भी बाहर नहीं निकलेगा, मतलब इतना ये हो जाता, हालत ख़राब हो जाती है मेरी तो, खास करके मैं बोलूँ बता रहा हूँ, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी, इतना मतलब ठंड है. लोग गरम गरम सूप वूप बना के पी रहे अभी, लेकिन और कुछ ज़्यादातर लोग तो सोए हुए हैं, अभी भी बाहर निकले नहीं है. मैं इसलिए बाहर निकल गया क्योंकि सनराइज़ हो गया था और इसका मुझे मतलब शूट करना था, इसलिए मैं उड़ गया जल्दी फटाफट. फिर भी थोड़ा लेट उठा मैं, मतलब अभी शायद 15 मिनट पहले उठ गया मैं, 7 बजे उठ गया, नहीं तो 6 बजे उठ जाना चाहिए था मुझे. खैर तो चलो अभी चाय वाय देख लेता हूँ, चाय पीना बहुत ज़रूरी है, महंगा है लेकिन पीना बहुत ज़रूरी है. अगर सूप मिल जाएगा तो थोड़ा 20 बाद बच जाएगा मेरे, देखते. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कल टेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अभी और टेंट लग चुके, तो बहुत सी फैमिलीज आई हुई है यहाँ पर. जितना मैंने इंक्वायरी किया यहाँ पर, तो उससे उसके हिसाब से मुझे पता चला कि 2 ही फॉरेनर्स यहाँ पर आए, मतलब 2 ही फॉरेनर का ग्रुप आया है यहाँ पर. एक तो हम लोग है जो मैं और जीन, और दूसरे शायद फ्रेंच लोग हैं वो लोग, तो वो 2 है साथ में. तो हमारे बाजू में ही रहते हैं वो भी, बाकी जितने भी सब लोकल ही है थाईलैंड के ही, सिर्फ हम 2 ही है ग्रुप फॉरेनर्स का. तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इस बारे में, और जैसे नूम ने भी कहा था कि लोकल टूरिस्ट को, थाई टूरिस्ट को ही पता है इस जगह के बारे में, फॉरेनर्स को इतना आइडिया नहीं. जिनको आइडिया है वो आ जाता है, जिनको नहीं पता वो नहीं आ पाता. हमको भी पता नहीं था, लेकिन बाद में जैसे नूम मिल गया अचानक में और उन्होंने हमको यहाँ पर ले गया, तो हमको अभी अब पता चल रहा है. तो जब वापस मैं आऊँगा ना, तो थोड़ा लंबा ट्रिप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर मतलब थाईलैंड में बहुत सी चीज़ें देखने लग, जैसे वियतनाम का भी मैंने प्लान किया है एक लंबा ट्रिप का, तो करूँगा मैं अभी सब कुछ धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं. तो चलो, जीन ने अपने लिए सूप ले लिया 50 बात का, यानी तकरीबन 120-130 का रहेगा. तो चलो ट्राई करके देख लेता हूँ कैसा ही. भाई उन्होंने कॉफ़ी ले लिया, तो ये नेस्कैफे की कॉफ़ी, तो जीन ने मेरे लिए ले लिया, तो बस अभी इसको डुबा के पी लेने का. और यहाँ पर मार्केट भी है छोटे छोटे, यहाँ अगर कुछ लेना है तो ले सकते हो यहाँ से भी. तो कोल्ड ड्रिंक सब है, तो कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं लगता अब लोगे, क्योंकि दोपहर में आप ले सकते हो खाने पीने के लिए, लेकिन दिन में बहुत गर्म ठंडा रहता है, तो रही सी बात है ठंडी चीज़ों में आपको गर्म ही पीने का मन करेगा. कॉफ़ी चाय पी रहा हूँ, देखते हैं इसका कितना लेते हैं, ये चार्ज करते कितना. कॉफी या बच्चा ऊपर सो रहा है, माँ के साथ है, मतलब बच्चा भी है माँ के साथ इतनी ठंड में, तो क्या कहना है. तो खैर मज़ा आ रहा है. तो चलो अभी कॉफ़ी ले लिया मैंने, 35 बात दोनों का मिला के, तो
बेसिकली सस्ते में पड़ गया हम लोग, या कम जिसे सस्ते में पड़ गया कॉफ़ी और ये, नहीं तो वहाँ से बहुत 50 बात में पड़ रहा था, तो महंगा पड़ रहा था, तो ये सस्ते में पड़ेगा, और क्योंकि पैकेट वाला है तो सस्ते में ही पड़ेगा, तो अच्छा होगा, दोनों का 35 बात में होगा। तो चलो अब कॉफ़ी और इनका कोकोवा वाला कुछ है वो माइलो वो पी लेते, और मतलब इनका थोड़ा टेस्ट करूँगा मैं, और ये कॉफ़ी पी के फिर आगे निकलते, देखते यहाँ पर अभी वो ब्रिज पर चढ़ के उस तरफ जाकर देखना क्या है वहाँ पर। अंडा भी लिए 2 10 बात का, तो 25 रुपये के 2 अंडे। हम ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि अचानक विद राइस फोंजी चाइनीज़ लाइक दिस इन द मॉर्निंग। मैं नेशनल एंथम होल्ड ऑन, नेशनल एंथम शायद ये नेशनल एंथम था थाईलैंड का, पता नहीं हमको ये सब खड़े हो गए, मुझे लगा ये नेशनल एंथम ही रहेगा, तो जिनको फटाफट मैंने कहा कि खड़े हो जाओ, तो अच्छा हो गया, शुरुआत नेशनल एंथम से ही होना चाहिए, दिन की शुरुआत नेशनल एंथम से ही होना चाहिए। अच्छा बढ़िया, तो गई अभी वापस डियर ने थोड़ा टट्टी की है, टेंट के थोड़ा पीछे की है, मतलब टेंट से थोड़ा ही इतना इंच दूर रहेगा, लेकिन फिर वो बास आएगा, इसलिए हम लोग ने सोचा है कि अब टेंट को खसका के इधर लेके आ जाए, तो चलिए अब टेंट को खसकाते हैं और यहाँ पर लेके आता हूँ। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और हम लोग अभी उस ट्रेल के पास जा रहे हैं जहाँ पर मेरा प्लान था जाने का, तो देखते हो ट्रेल है कैसा एक्चुअली, देखने का था मुझे भी कंफर्म, जिसे अंदर जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना अंदर है, तो जाके देख लेते अंदर क्या क्या देखने लायक है, पता चल जाएगा अपने को, तो चलो जाते हैं अंदर और देखते कि एक्चुअल में वो जो ट्रेल है वो है कैसा, कितना लंबा है और कितना दूर तक है। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते इंडिया, ट्वाई ट्वाई ट्वाई। तो चलो अब चलते ट्रेल के पास और फिर आपको दिखा दो कि है कैसा वहाँ पर नज़ारा। तो गाइस अभी मैं चार्ज करने आया था यहाँ पर, तो चार्जिंग टाइम मुझे पता नहीं था कितने बजे रहता, लेकिन एटलीस्ट जब आप आओगे तो आपको तो पता चलना चाहिए कि कितने बजे तक टाइमिंग रहता है, तो जो चार्जिंग पीरियड है वो रहता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, और फिर शाम को सीधा 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, यानी सुबह 3 घंटा और शाम को 4 घंटा का चार्जिंग, मतलब पावर सप्लाई रहता है, यानी आप चार्ज कर सकते हो यहाँ पर आके, तो काफ़ी चार्जिंग पॉइंट्स है यहाँ पर, तो आराम से आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 घंटा सुबह और शाम को 4 घंटा ही आप चार्ज कर सकते हो। ये मुझे पता नहीं था, मैंने टाइम देखा नहीं था एक्चुअली, पर मैं यहाँ पर कनेक्ट करा लेकिन चार्ज होने रहे, फिर मुझे मैम ने कहा कि अभी पावर सप्लाई नहीं है, मतलब अभी चार्ज नहीं होगा क्योंकि टाइमिंग है वहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपको टाइम दिखा दिया कि कितने से कितने बजे तक यहाँ पर पावर सप्लाई पीरियड, मतलब जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया, यानी उतने से मतलब इतने से इतने बजे तक ही, यानी सुबह 6 से 9 और शाम को 5 से 9 के बीच में आप चार्जिंग कर सकते हो, तो जब भी आप आओगे तो चार्जिंग करना, ताकि आप मतलब बैटरी के चक्कर, मतलब आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो लो ना हो। मेरे पास तो पावर बैंक है इसलिए मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं तो आराम से चार्ज कर लूँगा अपने पावर बैंक से, लेकिन अगर आपके पास पावर बैंक ना हो और अगर हो भी है और अगर आपको चार्ज करना है तो यहाँ पर आ जाना, रात में आना, 5 से 5 बजे मत आना, 7 से 9 के बीच में आना, थोड़ा सा सनराइज सनसेट देख लेना और फिर 7 से 9 के बीच में आके चार्जिंग कर लेना, रात को कोई भी नहीं रहता है इतना। अब जिनका वेट कर रहा हूँ मैं वो गई है टॉयलेट, फिर वहाँ से सीधा हम जाएंगे उस तरफ उस ट्रेल के पास। तो गाइस अभी हम ट्रेल की तरफ जा रहे हैं और ट्रेल है शाम के 5 से सुबह 6 बजे के बीच में बंद हो जाता है,
तो शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेल बंद रहता है, तो अभी खुला है, तो चलो चलते हैं अंदर और देखते है कैसा अंदर सब कुछ। कुछ इस तरह हम लोग आ गए यहाँ पर। Guys, nothing here, just only trees, forest. यहाँ पर एक सांप भी है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग ट्रेल पार करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ ग्रास ही ग्रास है और मेरे पीछे है एक सड़क जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। तो आधे घंटे में हम लोग निकलने वाले क्योंकि जो हमारे मतलब जो जिन्होंने हमें कल छोड़ा था यानी नूम, वो हमें पिकअप करने के लिए यहाँ पर आने वाले 11 बजे, तो आधा घंटा ही है। तो जाने से पहले इस नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये जो नेशनल पार्क है ये है खोयहाय नेशनल पार्क। ये 1962 में थाईलैंड के पहले नेशनल पार्क के रूप में स्थापित, ये थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये तकरीबन 2100 एरिया में फैला हुआ है, इंक्लूडिंग रेन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। और यहाँ पे कई तरह के जानवर है, जैसे मैंने कल देखा था बंदर भी देखा था और फिर थोड़ा रेनडियर टाइप एक जानवर भी था और भी एक अलग अलग टाइप के मैमल्स भी है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर 440 किस्म की बर्ड्स है, यहाँ पर प्रजाति है यहाँ पर बर्ड्स की अलग अलग। मैंने तो कल ही देखा है, अलग ब्लू कलर का एक बर्ड देखा था और फिर एक ब्लैक कलर का जिसको ज़्यादा लोग फोकस कर रहे थे। फोटो यहाँ पर फोटोग्राफर्स भी ज़्यादा है, मतलब आते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए, आपने देखा ही होगा कल और आज सुबह भी मैं आपको दिखा रहा था कि फोटोग्राफर्स लोग के लिए मतलब ये सही जगह है एकदम। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स है, काफ़ी मतलब पूरा नेचर से ही सराउंड है ये पूरा एरिया। और यहाँ पर कई तरह के रेप्टाइल्स भी है और यहाँ पर एक सबसे ख़तरनाक सांप है, वो है बिग आई ग्रीन पिट वाइपर पिट, बिग आई वाइपर पिट, जो तकरीबन मतलब जो हरे कलर का ही होता है, ग्रास जैसे ही कलर होता है, उसकी आग जो रहती है वो शायद ऑरेंज कलर की होती है। तो देखा है मैंने सांप पहले भी, ग्रीन कलर का ही रहता है इतना मुझे पता है, लेकिन उसकी आग शायद ऑरेंज कलर की रहती है, तो वो एक सांप भी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने का एक अलग ही मज़ा है यार, मतलब अगर आप अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ अगर घूमने आए हो थाईलैंड तो इस जगह में तो आपको ज़रूर आना चाहिए, एकदम बढ़िया जगह है कैंपिंग के लिए, तो बढ़िया जगह है, एक दिन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, तो बढ़िया जगह है यार, बढ़िया लोकेशन है, यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। और जब भी आप आओगे थाईलैंड में तो खोयहाय नेशनल पार्क को ज़रूर विज़िट करना, थाईलैंड का पहला नेशनल पार्क है और तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है थाईलैंड का। फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, तो चलो अब पैकिंग करना शुरू क्योंकि नूम जो है वो कभी भी आते रह गए, अभी बहुत से मतलब कैंप खाली हो गया, कल जो फॉरेनर आए थे 2 जन वो भी चले गए, वो तो जल्दी निकल गए शायद सुबह सुबह। तो खैर हम लोग का टेंट ये है और अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट, ये वाला टेंट नहीं, इसके पीछे वाला टेंट है, वो वाला टेंट है। तो चलो अब फटाफट रेडी हो जाता हूँ और फिर ऐसे निकलने के लिए तैयार। भाई अभी हम लोग ने अपना सामान यहाँ पर रख दिया है, अब बस नूम का वेट करें, उन्होंने कहा था 11 बजे आएगा, अब बस 11:15 हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अब वेट करते हैं उनका, जैसे वो आ जाएंगे ये बैग जो है यानी जो जो टेंट का जो सामान है वो दे देंगे और फिर इनका जो पासपोर्ट है वो ले लेंगे वहाँ से जो डिपोजिट किया था वापस। तो टेंट लेते वक्त आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, यानी जाहिर सी बात है फॉरेनर हो तो आपको पासपोर्ट ही अपना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो खैर अब यहाँ पर वेट करते और देखते हैं नूम का बात है। तो गाइस ये है टॉयलेट और टॉयलेट काफ़ी साफ सुथरा है, तो बस अब यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ। गाइस दोनों टॉयलेट है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है टॉयलेट के लिए, आप आराम से यहाँ पर
कैंपिंग कर सकते हो। हमेशा कैंपिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम रहता है कि टॉयलेट का क्या इश्यू होगा। पिछली बार जब मैंने कैंपिंग किया था तो वहाँ पर टॉयलेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर अच्छे सारी फैसिलिटीज़ है। और मेरे पीछे साइड डिश वॉश का भी है, मतलब अगर बर्तन वर्तन अगर आप लेके आए हो तो अगर आपको धोना है प्लास्टिक या बर्तन या स्टील का भी बर्तन जो भी है अगर आपको धोना है तो आप उस तरफ है, बता दो मैं आपको एग्जैक्टली, हाँ इस तरफ है, ये दिख रहा है, ये लिखा है डिश वॉशिंग, यानी आप बर्तन भी धो सकते हो यहाँ पर। तो बढ़िया है, अच्छा है सब कुछ, मतलब सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, और कैंपिंग के लिए एकदम बढ़िया जगह है ये, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है ये, फोटोग्राफी या वीडियो कुछ बनाना हो तो, जैसे मैंने बनाया वीडियो, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी मैंने की है, फोटोज़ निकाले मैंने आके, तो अच्छा लोकेशन है, एकदम बढ़िया लोकेशन है। तो चलो अभी आगे रेस्टोरेंट भी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत महंगा तो पड़ता ही है। हालांकि मैं इस साइड वाले रेस्टोरेंट में गया था, ये तो दिख रहा है आपको, बस इसी रेस्टोरेंट में मैं गया था, तो हल्का महंगा था, यानी जो 30 बाट या 40 बाट में हमको खाना मिलता है वो यहाँ पर 60 बाट में मिल रहा था, 50 बाट में मिल रहा था कल, और आज 40 बाट में मिल रहा था। कुछ अलग ही रेसिपी थी, वो चावल और सूप, और उसमें कुछ पोर्क ऐड किया था वो लोगों ने, और अंडा भी दिया था, एक अंडा 10 बात का एक्चुअली, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं जिनको बोलता मत लो अंडा, 10 बात का एक अंडा, यानी 25 रुपये का एक अंडा, तो मतलब ने बॉईल किया हुआ अंडा था वो, तो खैर पेट भर गया। कॉफ़ी सबसे सस्ती थी इधर, क्योंकि पाउडर वाली कॉफ़ी थी, पानी में डाल के पी लो, यानी 15 बात का था, यानी 45-40 रुपये का था, तो वही मैंने पिए ज़्यादा करके पेट भरने के लिए। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर वेट करें, जिन यहाँ पर वेट कर रही है, हमारे जो कल के जो जिन्होंने हमको लिव दिया था, यानी कि नूम का ही वेट करें। नूम अंदर आ चुके हैं, मतलब एंट्री कर चुके हैं, अब लगभग 45 मिनट तो लगेगा ही उनको यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर है, 45 या 1 घंटा तो लगता ही, क्योंकि काफ़ी दूर है ये कैंपिंग ग्राउंड। तो खैर अभी यहाँ पर हम लोग वेट करें, देखते हैं, 12:30 बज गए, 12:30 शायद या एग्जैक्ट 12:30 ही बजे, तो अब वेट करते यहाँ पर। कुछ और लोग भी आए यहाँ पर, यानी कुछ और कपल्स भी आए पीछे मेरे, जो यहाँ पर टेंट लगा रहे, तो आते रहेंगे और भी लोग आते रहेंगे, जैसे शाम होगी वैसा और फिर से भर जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा है, अगर आप कभी आ रहे हो तो पहले अपना लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, पहले लोकेशन सिलेक्ट करना और फिर फटाफट टेंट डाल देना, क्योंकि बाद में फिर आपको लोकेशन मिलेगा नहीं, मतलब अगर मुझे वहाँ पर अगर टेंट डालना होता तो शायद अभी मैं नहीं डाल पाता, क्योंकि पहले से किसने डाल दिया। इसलिए जब भी आप आओगे तो पहला टेंट डाल देना और फिर फटाफट खाना लेके आ जाना, अगर आपके पास खाना नहीं है तो फटाफट यहाँ से खाना खरीद लेना, क्योंकि 6 बजे तक खाना सब ख़त्म हो जाता है, और 6 बजे या 5 बजे ये बंद कर देते, कॉफ़ी शॉप तो 5 बजे ही बंद हो गया था। तो जितना जल्दी आओगे उतना अच्छे है, और जो जल्द से जल्द सामान ले लेना और यहाँ पर खाना पीना ले लेना, और फिर टेंट के अंदर जाके आराम से बैठ जाना, टेंशन नहीं, फिर वीडियो निकाल लेना। खैर अब जाना था हमको नाकिवान रस्सीमा, वहाँ से इधर आ गए, मतलब वहाँ पर गए नहीं, तो अच्छा ही होगा, जो भी होता है अच्छा ही होता है, एकदम सही लोकेशन पर हम लोग आए, सोचा भी नहीं था कि थाईलैंड में मैं कैंपिंग करूंगा यार, मजा आ गया।